मिलने के लिए बुलाया यार, बोलो। अच्छा ये कंसर्न उस दिन ऐसा था कि पहले तो मैं मैम के पास गया, तो मैम ने बोला यहाँ से प्रिंट आउट लाओ। उनका तो प्रिंटर ख़राब था। जब वहाँ पे गया तो एक लड़का बैठा हुआ था, उसका नाम यशवंत। वो कह रहे कि यहाँ पर प्रिंट आउट नहीं निकाल सकते। मैं दूसरी बार रिटर्न होके आया, ठीक है, अकाउंट होल्डर होके, और ये लोग इतना सा काम नहीं कर पा रहे। ये इसी महीने की बात है, शायद 20 तारीख को मैंने कार्ड कलेक्ट किया था। यशवंत नाम है लड़के का, वो शायद वो बैठे थे वहाँ पे भैया। हाँ, मेरे को एड्रेस चेंज कराना था। और दूसरी चीज़ ये है कि तीन महीने हो गए, 3 महीने से कार्ड डिलीवर नहीं कर पाया। फेडरल बैंक की बात कर रहा हूँ, वो तो दूसरी चीज़ हो गई। यार मास्टर कार्ड वाला इशू कुछ और। तो इस इशू की वजह से मुझे हो सकता है कि आपका कार्ड डिले हो गया। बट क्या होता है, जैसे मान लो वो लोग कार्ड डिस्पैच करते हैं, आपका कोई भी कार्ड है, वीजा है, रुपए है, तो फर्स्ट दे डिलीवर टू योर एड्रेस। जैसे एक्सपायर हो गया ऑटोमेटिकली दे डिलीवर, ठीक है। अब लेट से फॉर गॉड से बंदा वहाँ नहीं मिला या एड्रेस वो एड्रेस नहीं मिला, जो भी काफ़ी सारे इशूज आते हैं। आप जानते हैं पोस्टमैन के थ्रू जब कोई चीज़ जाती है तो काफ़ी सारे इशूज आते हैं। फिर वो क्या होता है, वो हेड ऑफिस चले जाता है और हमारा एचओ काम है केरला में। तो लेट से 5-10 days 15 days इतना टाइम लगा आपके घर तक आने में। फिर मान लो एड्रेस में नहीं मिला है, जो भी इश्यूज है वो वापस चला गया। फिर क्या करती है, ब्रांच को वो मेल आता है, ब्रांच इसको वापस ब्रांच में मंगाती है, सो दैट कस्टमर का कोई लॉस वगैरह ना हो, टाइम वगैरह वो नहीं हो। तो ये सारा मेरा कंसर्न है मेरे एंड से। अब आप बोलिए, न्यू ब्रांच का ट्रांजिशन तो समझ में आया, दैट वाज फाइन। बट उस टाइम पे क्या हुआ कि कार्ड ऑलरेडी रीच टू दी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। अच्छा, बट दैट पर्सन डिड कॉन्टैक्ट मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो व्हाट हैपेंड विदाउट एनी नोटिफिकेशन, ट्रैकिंग नंबर मैंने कॉल किया कस्टमर केयर पे, तब कहीं जाके मेरे को उन्होंने ट्रैकिंग नंबर बताया। ओके, इट वाज ऑल बैंक्स फॉल्ट एंड दैट इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ओके, नहीं नहीं मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये 2 से 3 बार हो चुका है। पहले मेरी सुनो, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को हो गया 15 से मैंने अकाउंट खोला हुआ है। तो 15 में जब मैंने तो अभी वो पूरा कंसर्न ही डिफरेंट, क्योंकि ब्रांच का मैं यहाँ पे मानता हूँ कोई फॉल्ट नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है कार्ड डिलीवरी में, क्योंकि उसके लिए बैंक रिस्पॉन्सिबल है। बट एट लास्ट जब हम आते हैं तो कुछ, मतलब मैं उस दिन आया कार्ड में कलेक्ट करने आया था, ठीक है, अभी वो वाला इशू हो गया। मैं वो भूल गया 3 महीने की, छोड़ो, मेरे को पता था कि
ट्रबल है मेरे लिए, मेरे को चेंज तो कराना है। थर्ड पार्टी है, पोस्ट ऑफिस को तो हम वो नहीं कर सकते उसमें। ये कंसर्न तो छोड़ ही दो, ये लॉजिस्टिक्स का हो गया, ये फेडरल बैंक का हो गया, ठीक है। तो यू हैव नथिंग टू डू विद दैट, ओके। अभी क्या इशू है कि जब क्या बोलते हैं कार्ड आया, मैं कार्ड कलेक्ट करने आया था उसमें, ठीक है। तो पहले मैं वहाँ पे गया तो उन्होंने बोला प्रिंटर खराब है, चलो उनका तो हो सकता है एटलीस्ट जेन्युइन इशू, बट वो वहाँ पे बैठा हुआ, मैं उसको बोल रहा हूँ आप एक प्रिंट आउट निकालो, मेरे आधार कार्ड का एक प्रिंट आउट निकालो, आई विल सेंड यू। तो वो वहाँ पे उसने डिनाई कर दिया कि मैं वहाँ से प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता, मतलब इतना सा एफर्ट नहीं डाल सकते आपके लिए। दो बार मैं वापस गया मेरे भाई, सुनो तो, दो बार। और इतना इतना प्रॉब्लम जब फेस करता है अकाउंट होल्डर तो आपके पे परेशान हो जाता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं फॉल्ट है हमारे एंड का फॉल्ट है, ठीक है, जो भी है ये तो ये छोड़ दो, ये लॉजिस्टिक्स ये तो मेरे को पता है, ये तो मैं मत्थे से मारता हूँ। दो तीन बार यार मैं जाके वहाँ पे कार्ड कलेक्ट करने जा रहा हूँ, पहले तो बुढ़ा था वो, तो उसको तो कुछ समझ में ना आए, ठीक है। अब थोड़ा सा पोस्ट ऑफिस में वो बंदा सही आया, तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम मेरे को कॉन्टेक्ट कर देते अगर ऐसे ऐसे आया था, तो उसने बोला कि हम जाके डायरेक्टली, तो डायरेक्टली वहाँ पे जब जाते हैं रिसिपिएंट नहीं दिखा तो उसको कॉन्टेक्ट तो करेगा कि भाई तू ले आके पोस्ट ऑफिस में रख देगा। वो वहाँ की प्रॉब्लम है, वहाँ के लिए मैं कुछ नहीं कहता ब्रांच को, बट यहाँ पे जब मैं आया थोड़ा सा ये थोड़ा एक्सपीरियंस ना बहुत बेकार सा हो गया। हाँ हाँ उसका तो काम भी नहीं था वो, कल हाँ वही उसी के लिए बैठा था, उसी के लिए बैठा था। No, no, वो मैं expect भी नहीं, I was not expecting anything from that guy, okay? That is like, only thing is I was not there, so फिर वो जो काम था वो यहाँ पे आपको discuss करना था, हो सकता है यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ। Actually, at that time also, I was figuring out whether this counter or this counter, okay? ये दो counter थे, इसमें था थोड़ा सा। यहाँ पे मैं नहीं था और ये। But that was not the right guy, I guess. Yeah, that was not the right guy. थोड़ा सा ये हो गया एक्सपीरियंस, और दो बार रिटर्न हुआ और दैट लुक्स आउट, बट ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक कभी ब्रांच में। मैंने इसलिए नहीं कहा कि अंकल थे स्टार्टिंग में, वो जब पहले वो मैनेजर साहब थे वो बात ही ऐसे करते थे, मैं उनसे डरता था कभी उनके आगे बैठा नहीं मैं आके तो उस टाइम पे। पर ये चीज़ें खराब है, उन्होंने नोटिस में आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे कि अगर कोई आया ब्रांच में तो वो कर सकता था वैसे। अभी उससे ज्यादा मैं कुछ कर भी नहीं सकता था उस टाइम पे, इसीलिए मैं आ गया। बट आई फेल्ट रियली बैड बिकॉज यू नो आई रिटर्न ट्वाइस, फर्स्ट बिकॉज मैंने मास्क नहीं पहना था, तो आई केम बैक आई वो द मास्क, ठीक है। तब मैं आया, तब मैं मैम से बोला, तो मैम ने बोला कि प्रिंटर उनका काम नहीं कर रहा, तो मैं फिर वहाँ पे गया जब उन्होंने बोला, ठीक है। तो नहीं हुआ तो इवेंचुअली मेरे को लगा चलो यार छोड़ो, अब 2026 तक के लिए तो कार्ड ही है, तो अभी क्या मैं करूँगा एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट वगैरह। अभी तुमने कॉल किया तो मैं आ गया, ये है पूरा कंसर्न मेरा। बाकी तो मैं बैंक से तो वाकई में बहुत परेशान हूँ। स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ क्या, मेरे को 8 महीने हुए थे, वो होती है मरने के बाद वाली स्कीम, वो पता नहीं कहाँ से लगा दी इन्होंने बैंक ने, पता नहीं कहाँ से वो। फिर मैं आया, फिर उन्होंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिख के दो, तब जाके वो क्लोज हुई। तो अनइंटेंशनल चेंजेस तो बैंक ऐसे करता है कि कार्ड का तो भूल ही जाओ, नोटिफिकेशन वगैरह पहले तो कुछ नोटिफिकेशन भी आता था कि हाँ भाई ट्रैक कर लिया कार्ड, वहाँ पे पहुँच गया, बात कर लो। हाँ ये हमेशा का है, इसमें क्या बोलते हैं ब्रांच की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट अभी क्या है, अभी ये छोटा सा काम कर दो, अगर ये हो जाता है एड्रेस चेंज। नहीं नहीं वो तो कर ही देंगे, वो तो मैं हाँ तो कह रहा हूँ ड्रॉप काउंटर पे जाके अगर मैं भी किसी से बात करूँगा तो मैं भी परेशान होकर जाऊँगा। हाँ रॉन्ग काउंटर नहीं, अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम स्लाइटेस्ट यू नो अगर डाउट भी आता है तो हेल्प की जरूरत पड़ती है तो बैंक करता है। क्योंकि मैं देखो एक्चुअली मेरा HDFC में भी है, तो मैं वहाँ पे गया, हैंड टू हैंड मेरा पासबुक उन्होंने बना दिया। जो भी इशू है ना आप, अगर आपकी डिस्कशन हो रहा है
ठीक है, अब आप एनोटेट क्या करना है सर, आपको नहीं चाहिए वो बता दीजिए, यू हैव टू चेंज द एड्रेस। हाँ हाँ अभी चेंज कर करवाना है, यू हैव द केवाईसी एंड ऑल। केवाईसी आई विल सेंड यू दैट आधार कार्ड। अच्छा ओरिजिनल? ओरिजिनल आई हैव टू टेक इट यार, बिकॉज़ नो नो आई माय वॉलेट इज इन कार। एड्रेस चेंज करना, एड्रेस जस्ट गेट द प्रिंट आउट एंड आई विल सेंड यू। एड्रेस भी यही का देना।